गोरखपुर महोत्सव का 11 जनवरी से रंगारंग आगाज होने वाला है, जिसका शुभारंभ शुक्रवार को प्रदेश के राज्यपाल राम नाईक द्वारा किया जाएगा। महोत्सव को साकुशल संपन्न कराने के लिए प्रशासन द्वारा व्यापक इंतजाम किए गए हैं, जिसको लेकर जिलाधिकारी के विजेंद्र पांडेन और SSP डॉ. सुनील गुप्ता ने तैयारियों का निरीक्षण किया तथा अधूरे कार्यों को समय से पूरा करने के निर्देश दिए। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए SSP डॉ. सुनील गुप्ता ने बताया। चलो है भैया, है आगे जाओ। गोरखपुर महोत्सव जो होने वाला है उसके लिए बाहरी से सुरक्षा व्यवस्था के लिए तमाम पुलिस फोर्स बाहर से भी मंगाई गई है। हर तरह की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की जा रही है। अभी भी जैसे आप देख रहे हैं कि कल भी मॉक ड्रिल हुई थी, आज भी मॉक ड्रिल चल रही है। बम डिस्पोजल स्क्वाड, श्वान दल, सभी तरह की पुलिस की व्यवस्था है। CCTV कैमरों से को भी लगाया गया है और इसमें सादी वर्दी में भी पुलिस तैनात रहेगी। यूटीजिंग को रोकने के लिए एंटी रोमियो दल भी तैनात रहेंगे स्पेशल, और इसके अलावा भारी मात्रा में पुलिस फोर्स हम लगाएंगे। और लोगों को से यही आपके चैनल के माध्यम से उम्मीद है कि इस गोरखपुर महोत्सव को सक्सेसफुल बनाएं, जिससे कि इससे पूरा मैसेज पूरे प्रदेश में, पूरे देश में जाता है। गोरखपुर के शान और आन बान पर जो है बहुत इसका प्रभाव पड़ता है और लोग समझते हैं कि बहुत अच्छा शहर है और इसमें हम सबका सहयोग होना चाहिए, केवल पुलिस ही नहीं। मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि इस महोत्सव को बहुत शांतिपूर्ण ढंग से हर्षोल्लास के साथ मनाएं।